हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5, इसेंशियल मेडिकल लिस्ट, सॉरी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं EML, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कहां पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही फार्माकोलॉजी, है ना, चैप्टर नंबर 1 यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, वहां पे हम लोग जो पढ़ चुके हैं वही चीज है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसी चैप्टर को यानी कि उसी लेक्चर के उस पार्ट को मैंने यहां पर क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो आओ देखते हैं हम लोग इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट समझो जरा, इसे बहुत जरूरी है, ये पॉइंट भी समझना जरूरी है, ठीक है, और वैसे भी समझना जरूरी है। जरूरी दवाइयाँ, ठीक है ना, तुम लोगों ने देखा होगा कुछ लिस्ट आती रहती हैं, थोड़ा शायद ना पता हो इसके बारे में, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, ठीक है। इसेंशियल मतलब हो गया जरूरी, इसेंशियल मतलब क्या हो गया, जरूरी। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ये वो दवाइयाँ हैं जो प्राइम, जो बेसिक बीमारियों के लिए दवाइयाँ होती है ना, ये वो दवाइयाँ होती हैं जो बेसिक बीमारियों के लिए दवाइयाँ रहती हैं जनरली, इसके अंदर वो सारी दवाइयाँ आ जाती हैं। दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज प्रीवलेंस, कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा फैली हुई है उसके हिसाब से। एविडेंस ऑन एफिकेसी, दवाई सेफ तो है, इफेक्टिव तो है, सेफ्टी, दवाई सेफ तो है, एंड कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती तो है, ये चार चीज़ें दवाई के अंदर देखेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से हम उसको इसेंशियल लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है, आगे आते हैं। Essential medicines are intended to be available in functioning health system at all time. जितने भी functioning health system है अपने, जैसे कि public और private वाले, वहाँ पर ये हर समय रहनी चाहिए, पर्याप्त amount में होनी चाहिए, appropriate doses form में होनी चाहिए, doses form है ना, जैसे कि अपना liquid या solid या tablet form में होनी चाहिए, appropriate doses form होनी चाहिए, with assured quality, quality उसकी एकदम fit होनी चाहिए, एंड एट ए प्राइस द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैन अफोर्ड, और उस प्राइस पे होनी चाहिए एक इंसान उसे, गरीब या एक एवरेज इंसान उसे ले सके। क्लियर है, तो ये सारे क्राइटेरिया आ रहे हैं। इसेंशियल मेडिसिन क्या थी, क्या क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, विच मेडिसिन आर रिगार्डेड एज इसेंशियल रिमेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कौन सी मेडिसिन को हम रिगार्ड करेंगे, देंगे इसेंशियल मेडिसिन का दर्जा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स की विद इन अ नेशनल फ्रेमवर्क। स्टेट्स मतलब एक तरह संस्था होगी हमारी, ठीक है ना, एक कंट्री के अंदर जो स्टेट्स मतलब कह लो कंट्री की बात कर रहा है यहाँ पर, उसके अंदर जो अथॉरिटी होंगी उनके ऊपर रहती सारी बातें। इसेंशियल ड्रग्स आर नाइदर टू बी अंडरस्टूड एज अ ओनली कंसिस्टिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग, इसको हमें ये नहीं समझ लेना कि जो जान बचाती है वही ड्रग इसेंशियल है, ना ऐसा नहीं है। नॉर एज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, ना हमको ये समझ लेना इससे कि जो बहुत ही रेयर डिजीज में दवाइयाँ काम आती हैं वो होती है, ना ऐसा नहीं है। क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग इंक्लूड ऑल द ड्रग नीडेड फॉर मोस्ट, वो सारी ड्रग जो जरूरत होती है मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड डिजीज, जो बहुत ही कॉमन डिजीज जैसे आए दिन हमारा सामना होता रहता है, उनको ठीक करने वाली दवाई, इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग कंडीशन, और कुछ लाइफ सेविंग कंडीशन वाली भी होती हैं, वो दवाइयाँ भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब एक बात कर लेते हैं, एक जिक्र यहाँ पर आता है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, आखिर ये क्या है करके, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर की तो बात चल रही है, जो बेसिक जो हमारे पास जो बेसिक बीमारियां हैं, इसको लेकर के 16 से 12 सितंबर 1978 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्माटा कजाकिस्तान में, ठीक है ना। उसने उस कॉन्फ्रेंस जो अल्माटा कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या था, उसने एक्सप्रेस किया द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन, उसने कहा उस कॉन्फ्रेंस में बहुत जरूरी है ये बाय ऑल गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर, जितने भी वर्कर हैं, एंड वर्ल्ड कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं और वर्ल्ड की कम्युनिटी, उन सब से एक एक्सप्रेशन मतलब एक तरह का उनको आदेश दिए गए हैं, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बचाएं और प्रमोट करें हेल्थ, सबकी हेल्थ को बचाना और उनकी हेल्थ को प्रमोट करना दुनिया के जितने भी लोग हैं सबकी हेल्थ के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर लगभग जो अल्मा आटा था, इसको डालोगे अगर अल्मा आटा करके, तो इसके अंदर करीब करीब 10 पॉइंट है ना, जो हेल्थ को रिगार्डिंग में दिए गए हैं। इसी के अंदर एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए यहां पर इसका एक जिक्र आया हुआ है। क्लियर है, आगे आते हैं। नाउ इंपैक्ट ऑफ, क्या कह रहा है ये, इंपैक्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन का इंपैक्ट क्या रहेंगे।
A limited range of carefully selected essential medicine leads to, है ना, क्या क्या इम्पैक्ट है, बेटर हेल्थ केयर, भाई छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमें भटकना नहीं पड़ रहा है ना, ये नहीं है कि छोटी मोटी बीमारियां उसके लिए बहुत महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, बेटर ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग का मैनेजमेंट काफ़ी बेटर हो जाता है, एंड हेल्थ आउटकम, एक हेल्थ अच्छी रहती है, छोटी मोटी बीमारियां उसकी दवाइयां मिल जा रही हैं, इजिली फ्री में मिल जा रही है, बहुत बेटर है ये, इंक्लूडिंग हेल्थ आउटकम के अंदर क्या क्या आएगा, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, छोड़ देना चाहो तो इस लाइन को यहाँ पर, ठीक है ना, बेटर ड्रग मैनेजमेंट एंड हेल्थ आउटकम, कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, जो हेल्थ रिसोर्सेज है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, सस्ती में चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये जो इम्पैक्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि इसेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट तैयार है हमारे पास, वो मेडिसिन अवेलेबल होनी ही चाहिए, क्लियर है। नाउ द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, WHO ने एक मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन तैयार कर रखी है, मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, उसके अंदर कुछ दवाइयां डाल रखी हैं, ये एक ऐसी लिस्ट है जो लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन क्रिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विच सर्व एज द गाइड, ये लिस्ट एक गाइड, एक तरह का कह लो कि रेफरेंस है, इसको देख करके और गवर्नमेंट अपना काम करती हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है ना, नेशनल किसी कंट्री के लिए और इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई संस्था, कोई हॉस्पिटल है, वो लोग इस गाइडलाइन को, इस लिस्ट को देख करके अपनी लिस्ट को तैयार करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर लेते हैं अपने लोकेलिटी और एरिया के हिसाब से, क्लियर है। इट इज अपडेटेड एंड रिवाइज एवरी 2 ईयर, ये जो लिस्ट है हर 2 साल में रिवाइज होती है बाय द WHO एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो कमेटी है वो हर 2 साल में इसको रिवाइज करती है, पहली बार ये पब्लिश की गई थी 1977 में, सिंस 207 अ सेपरेट लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन अप टू 12 ईयर, ठीक है ना, इज बींग ब्रॉट आउट, 2007 में एक बच्चों के लिए एक अलग से लिस्ट निकाल दी गई, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नाउ इनिशियली बात करें 1977 में WHO EML जो लिस्ट थी उसके अंदर 204 मॉलिक्यूल थे, 204 ही केमिकल थे, एंड द करंट इज द 20th लिस्ट 2017 में जो आई है विच हैज 433 मेडिसिन, जो 2017 में आई है 20th लिस्ट आई है उसके अंदर 433 मेडिसिन इंक्लूड कर ली गई हैं इसेंशियल मेडिसिन के अंदर, इंक्लूडिंग 25 फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, इसके अंदर 25 ऐसी हैं जो ड्रग डोज की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि है ना हम लोग दो दवाइयों का मिक्सचर होता है उसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया की बात करें, इंडिया प्रोड्यूस्ड इट्स नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट इन 1996, उसने 1996 में अपना बना लिया था, एंड हैज रिवाइज्ड इट इन 2011 एंड नाउ इन 2015 विद द टाइटल नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ठीक है ना, द लेटेस्ट लिस्ट इंक्लूड 376 मेडिसिन ऑफ विच 20 आर FDC, ठीक है ना, 376 इसके अंदर 20 कैसी हैं FDC हैं, फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन हैं, तो ये इंडिया की बात हो गई, क्लियर है बातें, तो इसेंशियल मेडिसिन, ठीक है ना, आगे आते हैं। अब द WHO हैज लेड डाउन द क्राइटेरिया टू गाइड सिलेक्शन ऑफ एन इसेंशियल मेडिसिन, उसने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी मेडिसिन इसेंशियल मानी जाएंगी, क्लियर है, आगे आते हैं। तो क्या कह रहा है, ओनली दोज मेडिसिन शुड बी सिलेक्टेड फॉर विच एडिक्वेट डाटा ऑन एफिकेसी, हमको केवल वही मेडिसिन चूज करनी है जिसके जिस दवाई का हमारे पास डाटा हो कि वो इफेक्टिव है एंड सेफ, सेफ्टी है उसकी, और अवेलेबल फ्रॉम क्लिनिकल स्टडीज, और वो क्लिनिकल स्टडीज से आई हुई है, एंड फॉर विच एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी, सुटेबिलिटी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हैज बीन ऑब्टेन्ड, और उसके सबूत हो हमारे पास, उसकी परफॉर्मेंस के सबूत हो, वो दवाई की परफॉर्मेंस किस बेस पे, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके इफेक्टिव में कितनी असरदार है, कितनी सुटेबल है, कितनी सेफ है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महंगी तो नहीं है, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि उसको डालना है एसेंशियल मेडिसिन में या नहीं डालना है। ईच सिलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी अवेलेबल इन अ फॉर्म इन विच एडिक्वेट क्वालिटी इंक्लूडिंग, ठीक है ना, यहां पर क्या है, ईच सिलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी अवेलेबल, जो सिलेक्टेड मेडिसिन है वो अवेलेबल होनी चाहिए एडिक्वेट क्वालिटी, एक पर्याप्त अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके अंदर उसकी बायो अवेलेबिलिटी काउंट की जाती है, एश्योर्ड होनी चाहिए, है ना, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है कि कोई मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर के, जैसे हमने खाई 100 ग्राम और वो केवल 70 ग्राम ही हमारी बॉडी में जाकर के असर करती है, बाकी 30 ग्राम हमारी बॉडी द्वारा तोड़ ताड़ के खत्म कर दी जाती है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी रही, केवल 70% रही, पढ़ेंगे ये भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, अभी नहीं मतलब आने वाले लेक्चर्स में।
इट्स स्टेबिलिटी अंडर द स्टोरेज कंडीशन। उसको हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई दवाई है, जैसे मान लो इंडिया की बात कर लें, कहीं गर्मी बहुत है, कहीं सर्दी बहुत है ना, कहीं बारिश बहुत है, तो वो स्टेबल तो है स्टोरेज कंडीशन में, एंड यूज मस्ट बी स्टेब्लिश, और उन कंडीशन में जो उसका यूज किया जाएगा वो ओके ओके तो है, गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। When two or more medicines appear to be similar, जब एक या एक से ज़्यादा medicines एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, in the above respect, जो ऊपर के केस हमने देखे, उसकी efficacy, cost effectiveness, कई सारी जो conditions हैं, उनमें अगर एक एक से ज़्यादा दवाइयाँ, एक मतलब सेम बीमारी के लिए एक से ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और ये सारी कंडीशन जब देखी जाती हैं, the choice between them should be made on the basis of careful evaluation of their relative efficacy, safety, quality, price and availability. फिर हम उस केस में क्या होता है कि हम लोग क्या चीज़ें चेक करते हैं कि किन बेस के आधार पे हम लोग उसको दोनों में से कौन सी दवा चूज़ करें कि इसको हम इसेंशियल लिस्ट में डालेंगे, तो उसकी एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अवेलेबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि इफेक्टिव तो है पर दवाई अवेलेबल नहीं हो पा रही है, कम मात्रा में बन पा रही है, उसका रॉ मटेरियल मौजूद ना हो, ठीक है। इन कॉस्ट कंपेरिजन बिटवीन मेडिसिन, नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट बट ऑल्सो द यूनिट कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। टोटल ट्रीटमेंट का कॉस्ट नहीं देखा जाएगा किसी बीमारी के लिए, वो एक सिंगल मेडिसिन का कॉस्ट भी देखी जाती है कि वो तो नहीं बहुत महंगी पड़ रही है। मस्ट बी कंसिडर्ड इन केस वेयर ड्रग्स आर नॉट सिमिलर, जहां पर ड्रग्स सिमिलर नहीं है, द सिलेक्शन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। अगर ड्रग्स सेम नहीं है तो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी, कॉस्ट को भी देख करके उसे जज कर लेते हैं। इन सम केसेज द चॉइस में ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर फैक्टर सच एज, कई बार यहाँ पर जो हमारी चॉइस होती है कुछ और फैक्टर के द्वारा भी प्रभावित होती है लिस्ट में डालने के लिए, जैसे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज और बाय लोकल कंसिडरेशन सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी फॉर स्टोरेज और मैन्युफैक्चर। यानी कि एक तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी हो गई, या फिर मान लो कोई दवाई है, गांव देहात है, लाइट आती नहीं है, और आपने कोई मेडिसिन ऐसी मंगवा ली है जिसको क्या करना है, फ्रिज की जरूरत है, 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, गांव देहात में लाइट आ नहीं रही है, तो हमको ये स्टोरेज कंडीशन, ठीक है ना, या मैन्युफैक्चर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है, रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें देख के भी हम लोगों को डिसाइड करना होता है। मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज ए सिंगल कंपाउंड, ज़्यादातर उसको सिंगल कंपाउंड ही बनाते हैं। फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द डोजेस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफाइंड पॉपुलेशन एंड व्हेन द कॉम्बिनेशन हैज अ प्रूवन एडवांटेज ओवर ए सिंगल कंपाउंड। यानी सीधी सी बात है, कोशिश यही है कि सिंगल, एक मेडिसिन के अंदर सिंगल केमिकल हो। अगर हमें एक मेडिसिन के अंदर एक से ज़्यादा केमिकल रखने हैं तो वहाँ पर हमें ये पक्का श्योर होना चाहिए कि उस कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, उस कॉम्बिनेशन यानी कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हैज अ प्रूवन एडवांटेज, उस कॉम्बिनेशन का एडवांटेज हो सिंगल कंपाउंड पे, यानी कि वो पक्के से अच्छी हो, सिंगल दवा लेने के बजाय जब कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उसका असर ज्यादा हो, प्लस उस पॉपुलेशन के ऊपर उसका असर काफी अच्छा होना चाहिए। क्लियर है, आगे आते हैं। ड्रग्स आर स्पेसिफाइड बाय द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ड्रग को स्पेसिफाई किया जाएगा, हम पढ़ चुके हैं ना जो उसका इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, जैसे कि पैरासिटामोल है, और जेनरिक नेम विदाउट रेफरेंस टू ब्रांड नेम और स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर। यानी कि उस लिस्ट में हम लोग उसके जेनरिक नाम को डालेंगे, ब्रांड नेम को नहीं डालेंगे, जैसे पैरासिटामोल लिखेंगे, कालपोल या डोलो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, जो लिस्ट तैयार करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या था हमारे पास, कुछ बातें थी जनरल समझने के लिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ 7-8 पॉइंट जो हैं, 7-8 चीज़ें हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या हैं समझने के पर्पज से हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यूट्यूब पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है
वन मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो वन मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वन मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें, नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस टू मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं, टू मार्क्स, थ्री मार्क्स, फाइव मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा, लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा, वो तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चा बच्चों बड़ी चीज जो यहां होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चंस, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डीफॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पर क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे मैं चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, चार ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन है, इसका आंसर ये है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं, रूटीन टेस्ट फॉर डीफॉर्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है, 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर वन किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर टू खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर वन प्लस चैप्टर नंबर टू का, फिर चैप्टर थ्री मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1+2+3, इस तरह से चलता रहेगा, एक टाइम वो आएगा 1+2+3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया, और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की, फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के, इससे सस्ता चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना, मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।